मोदी स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ उपलब्ध वैरायटी स्पोर्ट लोवर, टी शर्ट, ट्रैक सूट, योगा मैट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। हमारा पता शक्ति भंडार के सामने, घंटाघर मेन रोड, दमोह। कंचन जल, शुद्धता की गारंटी, आरओ एंड यूवी ट्रीटेड वाटर, सभी अवसरों पर उपलब्ध। हमारा पता डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के पीछे, 3 गुल्ली, दमोह। हर्ष अग्रवाल, संपर्क करें 9022976519। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह के एक निजी अस्पताल में 6 दिन पहले एक महिला भर्ती हुई थी, जिसका ऑपरेशन किया गया था। आज अचानक महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा और वहां के स्टाफ के द्वारा ठीक से देखभाल नहीं की गई है और बार बार पैसों की मांग की जाती रही है, और इसी लापरवाही के चलते उस महिला की मौत हुई है। इस संबंध में हमने जब परिजनों से बात की तो क्या कहना है परिजनों का व डॉक्टर का, आइए सुनते हैं। उनकी लान जान से मार डालती। हमारा जो ये अनुरोध है कि अस्पताल बंद करो, आज इन्हें कोई एंड कर नहीं है अस्पताल डॉक्टरों। कौन सी दवाई कब है तैयार, कब है क्या करो यार। कौन है ये, इनको क्या हुआ है? ये हेमा राजपूत है, नहीं भारती राजपूत है, भारती राजपूत। क्या हुआ इनको? इनको इलाज कराने के लिए आए थे तो डॉक्टर बोले कि बच्चादानी माने के इसका ऑपरेशन होना है। तो हम लोगों ने कहा सर कब होना है, कहले पहले हम माने भर्ती करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे, कहले फिर बताएंगे आपको कौन दिन ऑपरेशन होना है। फिर इन्हें खून पेशाब की जाँचें करवाई, जिसमें हमें माने कहने चाहिए 3000 रुपये का खर्च आया। फिर उसके बाद माने कहने चाहिए कहले कहले के पेट में और खराबी है, माने कहने उसकी जाँचें करवाई, तो फिर पैसा लगे। माने अब वो जाँचों के नाम हम तो जानते नहीं। माने फिर उसके बाद माने जो बोले कि मंगल को ऑपरेशन होगा, हैं? फिर मंगल को इन्हें ऑपरेशन किया तो 25,000 रुपये जमा करवाए। 26 कह रहे थे मोटा पेट है, 3,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले 23 बोले थे, फिर 3,000 और इनका मोटा पेट। पहले 23 की बात हुई थी, फिर कहने लगे मोटा पेट है, जब ज्यादा काटना पड़ेगा तो माने 3,000 और करवाए, 26,000 जमा। फिर उसके बाद माने कहने चाहिए इलाज में हमने जे लापरवाही देखी कि नर्स आती थी तो उससे हम लोग कहते थे कि मैडम वो ड्रॉप बंद हो गई है, चलो आप देख लो, चलिए जाओ हम आप आ जाएंगे। तो जब आती थी, जब दोबारा तिबारा जाते थे और 100 रुपये लेती थी, 150 रुपये ले लेती थी हर बार माने नर्स पैसा लेती थी। माने नहीं है 100 रुपये किस वजह से मौत हुई, ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब बता रहे कि हार्ट अटैक हुआ, जबकि हार्ट अटैक नहीं, लापरवाही के कारण माने कहने चाहिए उसको इलाज पूर्ण रूप से नहीं दे पाए ये लोग, और ऑपरेशन में लापरवाही बढ़ती है। शिकायत की आपने पुलिस वगैरह में? जी। किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर की लापरवाही और नर्सों की, पूरे स्टाफ की लापरवाही है। लापरवाही माने डॉक्टर ने स्टाफ को कभी सूचना ये नहीं दी कि जाओ मरीज को देखो। माने जब किसी पे कहते थे तो आनाकानी कर देते। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेंद्र राजपूत। और जो खत्म हुई उनका क्या नाम है? भारती राज। कौन है आपके? हमारे सराज। ठीक। केस आया जिसमें मरीज की मौत हो गई, इस पर हंगामा हुआ है, क्या है? बच्चादानी में गांठ थी और खून की समस्या थी, और कहीं और भी दिखा के आए थे, ऑपरेशन की सलाह और भी जगह मिली हुई थी। उसका ऑपरेशन 19 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को भर्ती हुआ था और मरीज अच्छा रिकवर हो गया था। अचानक उनको लेटिन जाने के बाद जैसे आई हैं तो ऐसा समझ में आया है देख के ऊपर से कि उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो इसके लिए आगे क्या करेंगे? हार्ट अटैक हो, पीएम होगा कि वो पार्टी जाने? ये नेचुरल डेथ होती है जी। नेचुरल डेथ में जरूरी नहीं होता है पोस्टमार्टम कराएं। हाँ, यदि पेशेंट के रिश्तेदार डिससेटिस्फाइड हैं या उनको लगता है कहीं कोई चीज की कमी है और वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्टमार्टम करा जा सकता है। क्या नाम था सर पेशेंट का? भारती राजपूत। कहाँ की निवासी थी? ये सेमरा हजारी। उनका परिजनों का कहना है कि कोई नर्सों द्वारा पैसे की मांग भी लगातार की जा रही थी और कोई चेकअप भी प्रॉपर नहीं हो रहा था। उसकी नहीं, चेकअप तो हमें करना पड़ता है, वो तो हम ही करते हैं चेकअप तो पूरे समय। हमारे तो घर भी यही है, अस्पताल में ही रहते हैं 24 घंटे। चेकअप में कुछ कमी नहीं रह गई। हाँ, जो सडन कार्डियक अरेस्ट में समझ पाना स्टाफ को भी, कई बार तो अच्छे अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट भी समझ नहीं पाते हैं
तो हो सकता है कहीं उनकी समझ में ऐसा रहा हो, जैसे मरीज ने बुलाया हो तुरंत नहीं बुलाया, पर उन्होंने जैसे फोन किया हम तुरंत मरीज को अटेंड किए तो हार्ट नहीं चल रहा था। नर्सों पे आरोप लगाया पैसे का, उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी हमें जानकारी आपने दी, हम उसका हम देखते हैं। परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि पैसे लिए जा रहे थे और उनको समय पे इलाज भी नहीं दिया जा रहा था, इसको लेकर हंगामा की स्थिति बनाई थी उनने। नहीं, समय पे इलाज नहीं होता तो हम तो रोज सुबह शाम राउंड लेते तो हमें कभी बता सकते थे, कभी तक कभी हमें बताया भी नहीं। हमारी जानकारी में होता तो हम उस बात को भी देखते हैं। वैसे हमें ऐसा लगता नहीं हमारे स्टाफ ऐसा कभी किया होगा, पर यदि किया है तो उसको हमें तो देखना पड़ेगा। तो सर, इसको लेकर अस्पताल के भी बड़े अधिकारी से बात करेंगे आपके इस मामले, बोले CMHO से, सर्जन से, क्या? नहीं, इसमें हमें उनसे बात करने का नहीं रहता, यदि पेशेंट पर ही वो चाहें तो पोस्टमार्टम करा सकते हैं। CHMO से बात करने का इसमें कोई वो नहीं है, बाध्यता नहीं है। हार्ट अटैक से मौत, हार्ट अटैक से परिजनों का हार्ट अटैक से मौत का डिनाई करते हुए बात आ रही सामने। अब वो तो फिर जांच का विषय है, पोस्टमार्टम करवा के उसका पूरा वो करवा सकते हैं। सर, जैसे आप पे आरोप लग रहे हैं तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि पोस्टमार्टम हो जाए और बात क्लियर हो जाए? नहीं, ये देखो पोस्टमार्टम हो जाए सिर्फ हमारे अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। पेशेंट के रिश्तेदार चाहें तो बिल्कुल हो जाएगा। आरोप आपके हॉस्पिटल हॉस्पिटल लग रहे हैं आपके, वो सडन डेथ तो आज 6 दिन हो गए ऑपरेशन को, कल उनकी छुट्टी होने वाली थी। खा रहा था, पी रहा था, पहले दिन चल रहा था, फिर रहा था, हंस रहा था, तो उसको कोई शिकायत होती या उसको कोई तकलीफ होती तो हमसे वो बताते बीच में, तो उसका तो बिना पोस्टमार्टम के जान पाना संभव नहीं है। आखिर मौत कैसे हुई? नहीं, क्लिनिकली तो हम कह रहे हैं मौत तो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। क्लियर है, क्लिनिकल क्लिनिकल क्लियर नहीं बोल रहे, क्लिनिकल जजमेंट जो होता ना, जो हम लोग देख के समझते हैं, सडन कार्डियक डेथ, जो सडन डेथ होती है, चलते फिरते आदमी खाना खाते खाते बोले अब टेबल पे लुढ़क गया, तो वही स्थिति इनकी थी, बस लेटेंस आई। और सर, आपने जांच में पाया कि इनकी क्लिनिकली मौत हुई है? हाँ, क्लिनिकली कार्डियक अरेस्ट। आपके द्वारा जांच की गई थी इस बारे में? हाँ, कार्डियक अरेस्ट हुई।